स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का ही। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल उसकी छोटी वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और जो लंबी वाली साइड है, लॉन्गर साइड से साइड है, वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो उसकी हमें दोनों साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम शॉर्टर साइड को एक्स सपोज कर लेंगे। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एक्स मीटर। तो उसका लॉन्गर साइड हो जाएगी एक्स प्लस 30, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है, और उसका डायगोनल हो जाएगा एक्स प्लस 60। जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है, तो हमारी शॉर्टर साइड आ गई x, लॉन्गर साइड आ गई x प्लस 30, और डायगोनल आ गया x प्लस 60। वी नो दैट, हम जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ लेंथ के स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। लेंथ और विड्थ के स्क्वायर्स को अगर हम सम करेंगे तो डायगोनल आ जाएगा। हमारे पास लेंथ मतलब लंबी वाली साइड x प्लस 30 है, विड्थ मतलब छोटी साइड हमारे पास x है, और डायगोनल एक्स प्लस 60। रूट हटा तो स्क्वायर लग गया सामने, तो हो गया हमारा एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 स्क्वायर। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पर एक्स एंड बी के प्लेस पर 30। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 30 स्क्वायर, 2ab तो 2x 30। ये एक्स स्क्वायर पहले से ही है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2a मतलब एक्स, बी मतलब 60 प्लस 60 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 32 सा 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस एक्स स्क्वायर 120, 62 सा 120x प्लस 3600। एक्स, अब हम